केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जनजातीय समुदाय से आने वाले कलाकार जो अपनी प्रस्तुति दे रहे थे उनके साथ नृत्य करने से भी अपने को रोक नहीं पाई। हमारे साथ अनुप्रिया हैं, कैसा लगा है जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ आप रोक नहीं पाई अपने को और आप भी उसमें शामिल हो? जनजातीय संस्कृति भी भारत की संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसके अपनी विविधताएं हैं, अपना सौंदर्य है और आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है जिन्होंने आजादी के संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी विरोध का बिगुल फूंकने का काम किया था। सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ और आज मेरे जो मध्य प्रदेश और हमारे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से आए हुए जनजाति भाई और बहनें हैं उनके साथ उनके पारंपरिक नृत्य का आनंद भी लिया, उनके साथ मुझे नृत्य करने का टूटा फूटा अवसर भी मिला और मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत आह्लादित हूँ, मुझे बहुत मजा आया। आपकी सरकार ने इन लोगों को सम्मान देने का भी काम किया, भगवान की जयंती जो है उसको भी शुरू कर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही बेहतरीन पहल की, उन्होंने कहा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और देश के कोने कोने में हमारे बहुत सारे ऐसे जनजाति में जन्मे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी है और भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका था तो इसलिए उनकी स्मृति में इस जनजाति गौरव दिवस को मनाने की उन्होंने पूरे देश में घोषणा की। अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर संसद भवन परिसर में बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया और जनजातीय समुदाय से आने वाले जो कलाकार थे उनके साथ उन्होंने नृत्य भी किया, उनकी सुर में सुर भी मिलाने की कोशिश की। कैमरामैन लोकनाथ के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।